साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो नेशनल लेवल के बड़े मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लीडर्स यहाँ दिल्ली से आए हैं। मिस्टर नवेद हामिद साहब हैं, ही इज नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस ए मुशावरत विच इज एन अम्ब्रेला बॉडी ऑफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस। माई सेल्फ प्रोफेसर सलीम इंजीनियर, आई एम नेशनल वाइस प्रेजिडेंट ऑफ जमात इस्लामी हिंद विच इज अगेन ए नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मौलाना डॉक्टर शीश तेमी साहब, ही इज दी सेक्रेटरी, नेशनल सेक्रेटरी ऑफ जमीयत अहले हदीस। एंड मौलाना शफी मदनी साहब, ही कम फ्रॉम गुजरात, ही इज द नेशनल सेक्रेटरी ऑफ जमात इस्लामी हिंद। एंड ही इज ब्रदर शम्स परवेज, and he is the representative of All India Milli Council, that is also one of the national organizations. So from the Delhi, and Mr. Nurul Islam Mazurbaya, he is the in charge of Tripura Jamaat Islami Hind. So we have visited these places for 2 days, and I think Naved Hamid sir, he will explain the whole thing before. Okay. जमात इस्लामी मिल्ली काउंसिल फॉर इंडिया मुस्लिम मजलिसे मुशावरत एवं मिल्ली काउंसिल এই সংগঠনগুলির প্রতিনিধিরা এখানে এসেছেন ত্রিপুরা বিগত দিনে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে তার সরজমিনে জানতে বুঝতে এসেছেন। তো যাবৎ আমরা দক্ষিণ ত্রিপুরা উদয়পুর ডিস্ট্রিক্ট সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট তারপরে ওই উত্তর ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট এই সমস্ত গুমতি এই সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট ঘুরে যে সমস্ত জায়গায় ঘটনা ঘটেছে পানিসাগর নারাউলা তারপরে আপনার রৌয়া ওইদিকে কাকড়াবন দরগা বাজার এই সমস্ত জায়গাতে বিভিন্ন যে সমস্ত মসজিদে জ্বলেছে পুড়েছে বা তা ড্যামেজ হয়েছে ভাঙচুর হয়েছে সেই সমস্ত সরজমিনে দেখে এসছেন। প্রশাসন থেকে এক কথাটা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হয়েছিল যে না ত্রিপুরায় কিছু ঘটেনি, এগুলি সমস্ত মিডিয়ার অপপ্রচার, এই ধরনের এই কথাটা এস্টাবলিশ করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমরা সরজমিনে পরিদর্শন করে দেখলাম যে যথেষ্ট কিছু হয়েছে, অনেক ভাঙচুর হয়েছে এবং লোকদের মনের মধ্যে একটা ঘর একটা ভীতি তৈরি হয়েছে। আর প্রশাসনিক ঢিলা যে সমস্ত গুমতি ডিস্ট্রিক্টে আমরা দেখেছি যে ওখানকার এসপি কড়া ব্যবস্থা নিয়েছেন, কিন্তু এই অন্যান্য জায়গায় উত্তর ত্রিপুরায় প্রশাসন ঢিলা দিয়েছে। আমরা একটা জিনিস দেখেছি যে পাবলিক লেভেলে মানে কোন ডিভিশন নেই, কোন মেরুকরণ নেই, কিন্তু গভর্নমেন্ট লেভেলে বা পার্টি লেভেলে বিজেপি বা অন্যান্য পার্টি লেভেলে এটা ছড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে, সাম্প্রদায়িকতা ছড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে। পাবলিক আগের মতোই আছে, ত্রিপুরার হিস্ট্রি জবাব ছিল, কোন কমিউনাল ইয়ে নেই, মেরুকরণ নেই, পাবলিক লেভেলে এটা এখনো আছে। আপনার নাম? আমি নুরুল ইসলাম হাজারিয়া। কে কে আছে আজকে এখানে? ইনি মানে শফি মদনী সাহেব, জামাতে ইসলামী হিন্দের অল ইন্ডিয়া সেক্রেটারি, শীষ সাহেব মজলিসে আহলে হাদিস হে, আর জাভেদ সাহেব, নবেদ হামিদ সাহেব। সোলা सेप्टेम्बर के बाद, 16 अक्टूबर के बाद जो यहाँ पर पूरा एंटी मुस्लिम यहाँ पर राइट हुआ है, राइट नहीं, वो एक अटैक्स अगेंस्ट द मुस्लिम्स हुआ है, उससे पूरे देश की छवि पूरी दुनिया में खराब हुई। जो यहाँ पर फेक आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि सब ये बांग्लादेश के रिप्रकशंस के तौर के ऊपर हुआ है, दैट इज अनएक्सेप्टेबल। अगर बांग्लादेश के में जो कुछ वहां पर दुर्गा पूजा के मौके पर हुआ था, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, जिसके पूरे मुल्क में मुसलमानों की तमाम बड़ी जमातों ने और यहां के सेक्युलर लोगों ने बहुत ही संज्ञान लेते हुए उसकी भर्त्सना की थी, तो जो शरारती तत्व थे उनको बांग्लादेश के यहां पे कौंसलर के सामने प्रदर्शन करना चाहिए था, न कि गरीब मुसलमानों के खिलाफ यहां पर दंगा भड़काने की कोशिश, उनकी मस्जिदों को तोड़ने की कोशिश, उनकी मस्जिदों को आग लगाने की कोशिश, आग लगाने का पूरा अमल, और उनके घरों और उनके कारोबारी इदारों को जलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। इस पूरी घटना से ये बात साबित होती है कि बांग्लादेश के हिंदुओं के ताल्लुक से जो आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है वो फेक आर्ग्यूमेंट है, एजेंडा जो है वो एक विशेष एजेंडा है, और वो एजेंडा देश भर में
मुसलमानों के खिलाफ भड़काने का एजेंडा है और देश में जो अभी चुनाव होने वाले हैं 4 महीने के बाद, उस चुनाव का एक एजेंडा है। इसके तार यहां से लेकर दिल्ली तक मिले हुए हैं और ये पूरा एक सबसे बड़ी खराब बात यह है कि वीएसपी और बीजेपी दोनों त्रिपुरा में एक ही है। जो वीएसपी के ऑफिस बॉयज हैं, जो वीएसपी के कार्यकर्ता हैं, वही बीजेपी के ऑफिस बॉय हैं, वही बीजेपी का कार्यकर्ता है। तो बीजेपी ये अपने आप को कह के पल्ला नहीं झाड़ सकती कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी हुकूमत ने, इसके एडमिनिस्ट्रेशन ने इन शरारती तत्वों को यहां पर पूरा संरक्षण देने की कोशिश की है। वो संरक्षण देने की कोशिश एक ही मैं मिसाल देके अपनी बात को साबित करूंगा कि डीजीपी यहां के जब ये कहते हैं कि मुसलमानों की मस्जिदों को नहीं जलाया गया और एक फेक एक वीडियो बना के वो सर्कुलेट करते हैं, तो वो जबकि यहां पर 6 मस्जिदें जो हैं वो बुरी तरह से मुतासिर हैं, जलाई गई हैं और कई और मस्जिदें ऐसी हैं, 10 ऐसी मस्जिदें जिन पर छोटे मोटे हमले हुए हैं। खुद यहीं पर अगरतला के अंदर 2 मस्जिदों पर हमले हुए हैं, चाहे वो छोटे हमले हुए हों। लेकिन सबसे अच्छी बात इस पूरे प्रकरण में जो पिछले 15 दिन में हुई है कि यहां की जो जनता है, त्रिपुरा की जनता, मैं उसको बधाई देना चाहता हूं कि उस इस जनता ने इस विशेष एजेंडे को समझा और उस विशेष एजेंडे को समझते हुए इसको आग इसको भड़क नहीं दी। कहीं कहीं घटनाएं हुई हैं। दूसरी बात यह है कि पक्षपाती जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो पूरा नेचर है, उस बात से साबित होता है कि धर्मनगर के अंदर कौन सा बाजार, नरोरा बाजार में जो आग लगाई गई जिसमें 4-5 हजार आदमी, रोड़ा पानी सागर में जो आग लगाई गई, उस आग लगाने से पहले वहां पर यह बात थी कि 144 क्लैंप था, 144 धारा का लगने के बाद 5-6 हजार वीएचपी के लोगों का जुलूस निकलना और वो भी पुलिस संरक्षण में निकलना, इस बात की और ये फिर आईबी कहां चली गई थी, लोकल इंटेलिजेंस कहां चली गई थी, अगर ये सब ऐसी बात थी तो कहां चली गई थी। तो वहां पर पुलिस के संरक्षण में वो जुलूस निकला और उन्होंने पूरी मार्केट में जो मुसलमान दुकानें थी उनको गिन गिन के, उनको चुन चुन के, उनको जो है वो आग के हवाले किया। और जो लोग छोटे अब 10-15 लाख का काम करने वाला तो एक छोटा कारोबारी होता है ना, उस छोटे कारोबारी को आपने टारगेट किया, राशन की दुकान को टारगेट किया, स्टेशनरी की दुकान को टारगेट किया, कंप्यूटर की दुकान को टारगेट किया, मोबाइल फोन की दुकान को टारगेट किया, कपड़े की दुकान को टारगेट किया, ऐसे छोटे छोटे काम करने वाले लोग होते और सरकार उनको 20,000 रूपये देती है कम्पेंसेशन में, 20,000 देती है, 85,000 देती है। जिनका 20 लाख का नुकसान हुआ है उसको आप 85,000 दे रहे हैं, जिसका 10 लाख का नुकसान हुआ है उसको आप 20,000 रूपये दे रहे हैं। तो ये लगता है कि ये बाद का जो इनका जो पूरी दुनिया के अंदर बदनामी भारत की हुई है, ये इनकी बदनामी नहीं है, ये भारत की बदनामी है। और भारत की आजकल सोशल मीडिया की वजह से पूरी दुनिया के अंदर इसका संज्ञान लिया गया, जिस तरह से बांग्लादेश के ताल्लुक से संज्ञान लिया गया था, संज्ञान लिया गया। और ये जो आफ्टर थॉट है बीजेपी का कि इसको कंट्रोल किया, इसको ऐसा किया वैसा किया, मैं समझता हूं कि नुकसान जो होना था वो नुकसान तो हुआ है और अभी भी समय है कि क्लिपिंग्स में जो भी कल्प्रिट हैं उन कल्प्रिट को आइडेंटिफाई कीजिए और आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ आप फौरी तौर के ऊपर उनकी गिरफ्तारी कीजिए। अगर वो भागे हुए हैं तो उनके आप जो है नोटिस निकालिए और जहां एडमिनिस्ट्रेशन की ढील रही है, जिस नोरा बाजार के अंदर ढील रही, वो वहां के SHO जहां जहां घटना हुई है, वहां का जो लोकल स्टेशन ऑफिसर पुलिस का है और जो वहां का SP है, उन सब के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी के साथ साथ उनको जो है फिलहाल जो है एक सस्पेंड करके एक माहौल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जो कि ये त्रिपुरा जैसे ये छोटा वाकया लगता है, लेकिन छोटा वाकया नहीं है, हर काम जो है छोटी चीज से शुरू होता है, हर काम छोटे चीज से होता है। 40 लाख की आबादी त्रिपुरा के अंदर है, आप इतना टारगेट कर रहे हैं
पूरे देश की बदनामी कर रहे हैं, तो ये तो शायद मैं समझता हूं कि आप अपनी पार्टी का भी नुकसान कर रहे हैं और देश का भी नुकसान कर रहे हैं। मैं ये सही हिसाब से कहूंगा कि वो कुछ अच्छा कि देखिए बांग्लादेश में जो भी अफसोसनाक घटनाएं हुई, कुछ ही घंटों में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, वहां की जो अफेक्टेड कम्युनिटी थी, हिंदू कम्युनिटी थी, उसके साथ खड़ी थी। जगह जगह लोकल पुलिस नहीं, बांग्लादेश आर्मी को उन्होंने भेजा पूजा पंडालों की हिफाजत करने के लिए, मंदिरों की हिफाजत करने के लिए। और वहां की सिविल सोसाइटी, वहां के स्टूडेंट्स जो हैं, स्टूडेंट्स यूनियन जो हैं, वहां के लिबरल लोग जो हैं, वहां के लेफ्ट ग्रुप जो है, वहां का जो पूरा एक पॉलिटिकल क्लास है, वो सब साथ खड़ी थी। लेकिन भारत में उससे सबक नहीं लिया गया। कम से कम कम्युनल हारमोनी को मेंटेन करने के लिए एंड हाउ टू रिस्पॉन्ड अगेंस्ट द कल्प्रिट्स, वही सबक ले लेते बांग्लादेश से। बांग्लादेश आज हर फील्ड में भारत से आगे जा रहा है, इकोनॉमी में जा रहा है, ट्रेड एंड कॉमर्स में जा रहा है। और इस घटना ने, बांग्लादेश की घटना ने ये दिखा दिया कि बांग्लादेश लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भी जो दृढ़ संकल्पता उसके अंदर है वो भारत से कहीं ज्यादा है, और जो अनबाइज्ड मामला है वो भारत से कहीं ज्यादा है। तो मैं समझता हूं कि हमारे अच्छे ताल्लुकात बराबर के देश से हैं, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी, बहुत अच्छे टर्म्स हैं, तो ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे रिएक्शन, कोई भी काउंटर रिएक्शन का कोई जो है कोई रीजन, कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। आप बांग्लादेश की हुकूमत से आप बात करना चाहते हैं तो उसके कॉन्सुलेट में जाके बात कीजिए। आप यहाँ की माइनॉरिटीज के खिलाफ क्यों आप देश को बदनाम करने की कोशिश में आप, और पॉलिटिकल एजेंडा है। तो ये तो बहुत दुखद की बात है, जो 7-10 लोग ने जान दे दिया, इसके ऊपर तो हमला हुआ ना। बांग्लादेश वाले जो जिहादी जैसे लोग है, उन्होंने तो हमला किया, और 7-10% की Everybody has condemned that. International community has condemned that. From United Nations to Government of India. From Government of India to United Nations. Every citizen has condemned that. कोई उसको justification नहीं दे सकता। और उसके जवाब में यहाँ कुछ किया जाए ये बिल्कुल गलत होगा। और जो करे उसको, अगर वो protest करने का अधिकार है, सबको protest भी कर सकते हैं और किए भी हैं, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये घोटना हुआ तो उसके लिए तो दुख हो सकता है, आप लोगों को दुख है। हमने किया है ना, पूरा कंडम किया है, हम लोग उसके खिलाफ हैं, बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे यहाँ बांग्लादेश में हुआ है, आप हम सब लोग बयान देखिए, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज कंडम्ड इट, एवरी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैज कंडम्ड इट, बांग्लादेश एंड हैज आर्ग्यूड टू बांग्लादेश टू गिव प्रोटेक्शन टू द बांग्लादेशी ग्रुप्स। साउथ एशिया के अंदर जितने भी देश हैं, सबकी जिम्मेदारी है कि अपने जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको, उसका संरक्षण करें, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, तो सब कोशिश करते हैं। हर जगह जो है, हर जगह एक वहां मुस्लिम जिहादी जिनको आप कहते हैं वो है, तो यहां पे जो है वो हिंदुत्व टेररिस्ट हैं। आप इन सब का गठबंधन है, ये अपने अपने देश में माहौल खराब करना चाहते हैं। आपकी तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोई बात हुआ क्या? अब ये जाके बात करेंगे। अच्छा अच्छा, देखिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के रवैये पर भी अफसोस है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर छोटी छोटी बातों पर अपनी राय देते हैं, लेकिन त्रिपुरा में इतनी बड़ी घटनाएं हुई हैं, इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी मंत्री की तरफ से, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर की तरफ से कोई जरा भी अफसोस की बात नहीं आई। ये सही है, ये बहुत गलत बात है, और हम वहां जाकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अच्छा भी हम संपर्क करेंगे। अब तो 2 दिन त्रिपुरा में गुरा है, कुछ मस्जिद में क्या आग लगाया है? कुछ नहीं, कम से कम 6 मस्जिद तो ऐसी है जिसको पूरी तरह से उन्होंने तोड़ दिया है, आग लगा दी है। ये लो, ये तो आप 2 दिन से बोल रहे हैं, मगर आप लोगों के कम्युनिटी का इमाम बोल रहा है ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखकर आए हैं ना, इमाम फोटो है हमारे पास, इमाम साहब बोल रहे हैं आग कोई मीन। अब इमाम साहब डरे हुए हो सकते हैं, इमाम साहब बीजेपी के हो सकते हैं, जुमी तुला में ही बोल रहे हैं, बोल रहे आग किसी से नहीं लगा, तोड़ा है, मगर आग किसी से नहीं लगा। होंगे
देखे गोमती जिला है, नाम बता रहे हैं, दरगाह लगाया गया तोयबुर रहमान साहब जो गलत बोला ना। कल हम लोग सीआरपीएफ की एक मस्जिद है नगर पानी सागर, पानी सागर वहाँ पे पूरा पूरी खत्म नहीं, दो स्टेटमेंट होना है ना। आप लोग बोल रहे हैं यहाँ से जो आग नहीं लगा है, उन्होंने जो कल स्टेटमेंट दिया है मैंने देखा, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि कुछ मस्जिदों को आग लगाया गया है, कुछ मस्जिदों में कम नुकसान हुआ, ये है उनका स्टेटमेंट। ना वो स्टेटमेंट नहीं, इसके बाद यहाँ भी एक प्रेस मीट हुआ, इमाम साहब बोला है पूरा है, मगर उनसे कोई मतलब नहीं है। हम जो देख कर आए हैं और हमारे पास सबूत है, वीडियोस हैं, नाम बता सकते हैं, सीआरपीएफ की मस्जिद और गोपन सर 92 बटालियन सीआरपीएफ की मस्जिद पानी सागर में, दरगाह बाजार की मस्जिद नरोरा टीला में वहाँ आग लगाई है, और आपका वो जो कौन सी मस्जिद है चोला, उन लोगों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया दूसरे वाले भी कल भी प्रेस मीट किया, वो लोग भी ठीक है, हमने तो खुद देखा, हम तो अपनी बात बता रहे हैं, हम आपको भी इनवाइट करते हैं, मीडिया भी आए और मीडिया आप सोच है कि आप लोग अभी तक वहाँ जाके नहीं देख रहे, हुआ हमारा मीडिया भी है, नहीं है तो बताइए लाइए, जब हम जा सकते हैं आप लोग अभी तक 15 दिन में वहाँ नहीं गए हैं, हमने कई और पार्टी के लोगों से भी यहाँ बातचीत की, उनसे भी हमने एक आप जाके देखिए ना, हमारा करस्पोंडेंट है, हम लोगों को पूरी घटना भेज दिया है आपके जहन आपके, तो ये उसको जो छोटा करके बता रहे हैं, अब एक ही जगह पे पानी सागर में 11 दुकानें जलाई है, आप देख नहीं सकते उसको कितना भयंकर वो आग लगाई है, उसमें 11 दुकानें हैं, उसमें से 5-6 दुकानें तो बिल्कुल खत्म हो गई है, बाकी पार्टी सीएम के साथ अभी भी हम वेट कर रहे हैं, सीएम के ऑफिस से हमको अभी भी मना नहीं आया है कि हम नहीं मिलेंगे, लेकिन अभी तक पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है, हो सकता है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोई मैसेज आए तो हम मिले, लेकिन हम नहीं भी मिल रहे हैं तो हम आपके माध्यम से बात पहुंचाना चाहते हैं कि सीएम को डीजीपी को जो लोग आते हैं डेलीगेशन उनसे मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, और उनको अपना भी बताना चाहिए, हमारी बात भी सुनना चाहिए, और जो गलती है उसको मानना चाहिए, जो ये देखिए सीआरपीएफ 92 बटालियन मॉस्क कराता है ये पूरी तरह चला दिया गया, अच्छा पुलिस का क्या है, पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, और वो ये समझते हैं कि जब एफआईआर दर्ज नहीं की तो कोई घटना नहीं हुई, ये क्या बात हुई, एक तो दो गलती कर रहे हैं आप, एफआईआर भी दर्ज नहीं कर रहे हैं और जिसकी एफआईआर दर्ज नहीं है उसको घटना भी नहीं मान रहे हैं। पिछले दिनों आसाम में एरिक्सन का जो मामला हुआ, बांग्लादेश के इंसिडेंट होते ही मुस्लिम संगठनों के बयान बांग्लादेश के इंसिडेंट के खिलाफ आए, मेरा खुद का बयान है, मेरा एक वीडियो भी है और भी दूसरे लोगों ने बयान दिए हैं, हम उसको गलत समझते हैं, और वहां की गवर्नमेंट को हमने कहा भी बयान में कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपनी माइनॉरिटीज का पूरा प्रोटेक्शन करें, उनके जो मजहबी जो स्थान है, पूजा स्थल है, धार्मिक उनके जो जगह हैं उनकी हिफाजत करें, और हमने ये भी कहा कि चूंकि बांग्लादेश में इस्लाम को मानने वाले लोग ज्यादा हैं तो इस्लाम की जो शिक्षाएं हैं वो भी यही है कि आप दूसरे मजहब के मानने वालों का आदर भी करें, उनकी रक्षा करें, उनको रिस्पेक्ट दें, तो ये बातें हमने सब लिखी है, उसको हम कंडेम करते हैं, लेकिन अगर किसी देश में कुछ गलत होता है तो हम भी उसके पीछे चल पड़े, ये बहुत गलत बात है, और गवर्नमेंट जिसका जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को बनाए रखने की, वो अपनी जिम्मेदारी ना निभाए और ऐसे लोगों पे कार्रवाई ना करे, ये गलत बात है। इसमें एक बहुत अहम जो यकीनन ये जो हुआ है बहुत ही अफसोसनाक हुआ है, बहुत चिंताजनक है, त्रिपुरा के लिए नहीं देश के लिए, और देश की बदनामी भी हुई है, लेकिन 2-3 बातें बहुत पॉजिटिव है वो भी मैं कहना चाहूंगा। एक तो ये कि जिन लोगों ने ये टारगेट अटैक किया नफरत फैलाकर, वो एक पॉलिटिकल एजेंडा है, आप जानते हैं पूरे देश में कम्युनल पोलराइजेशन का माहौल पैदा करने की कोशिश है, और यूपी के इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं उसमें वो उसका फायदा उठाना चाहते हैं और पूरे माहौल को खराब करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की आम पब्लिक ने इन नफरत फैलाने वालों का साथ नहीं दिया, ये बात हमको मालूम हुई कि आम लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, वो सिर्फ चंद लोग थे, कुछ लोग थे जिन्होंने
बेखौफ होकर किया। और दूसरा ये था कि ये जो पूरा मामला है इसमें पुलिस का रोल बहुत अहम है, पुलिस की मौजूदगी में ये सब हुआ। यानी खासतौर से पानीसागर में तो बाकायदा जुलूस था, पुलिस थी और पुलिस को पूरा मालूम था, इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट थी, इसके बावजूद पुलिस की मौजूदगी में ये सब हुआ। तो हम ये समझते हैं कि जो दंगा करने वाले लोग थे उनको डर नहीं था कानून का, उनको पता था कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं होगा, पुलिस उनके साथ चल रही थी। तो हम एक डिमांड ये भी करते हैं कि पानीसागर जिले के एसपी और वहां के जो पुलिस के अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरा ये कि पुलिस को अपना काम कानून के मुताबिक करना चाहिए, वो गवर्नमेंट के या पॉलिटिकल एजेंडे का पार्ट नहीं बनना चाहिए पुलिस को। ऐसा लग रहा है कि पुलिस में जो है वो पुलिस बाकायदा एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत गवर्नमेंट का एक टूल बनकर काम किया है पानीसागर में खासतौर से। लेकिन हमें एक दो रिपोर्टें अच्छी भी मिली है, खासतौर से गुमती जिले में वहां की जो एसपी या पुलिस की जो ऑफिसर थी उन्होंने रोकने की कोशिश की, कई जगह पे अच्छा एक्शन भी लिया। इसका मतलब यह है कि पुलिस में अच्छे ऑफिसर भी मौजूद हैं। अगर हुकूमत गवर्नमेंट का दबाव ना हो और गवर्नमेंट तो ये पुलिस ऑफिसर आजादी से काम करें तो इस तरह की घटनाएं नहीं हो सकती। तो हम ये समझते हैं कि इसमें गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा है और गवर्नमेंट जो है वो अभी तक भी हमें अफसोस है कि किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है, जबकि सारे वीडियोज मौजूद हैं, फुटेज मौजूद हैं, सबके चेहरे मौजूद हैं, कौन लोग उसमें शामिल हैं और पानीसागर की रैली किस ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज की, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था। जिस संगठन ने वो रैली ऑर्गेनाइज की जिसमें वायलेंस हुआ वो संगठन जिम्मेदार है, उसको जिम्मेदार ठहराना चाहिए। जो लोग पुलिस के उस वक्त ड्यूटी पर थे और उनको जो है इसकी जिम्मेदारी लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात जो बहुत तकलीफ की हमें हुई है वो ये कि पुलिस के बड़े ऑफिसर और गवर्नमेंट शुरू से ये कहती रही कि यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे बहुत हल्का फुल्का कुछ हुआ है, यानी उसको कोई अहमियत नहीं दे रही। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट शायद ये समझती है कि कोई बहुत बड़ा जब तक बहुत सारे लोग मारे ना जाएं या बहुत सारा नुकसान ना हो तब तक उनकी निगाह में बड़ा नहीं, तो इसको बड़ा न मानना और इसको कोई अहमियत न देना। और एक पुलिस ऑफिसर ने तो यहां तक कहा कि कुछ लोग गलत अफवाहें फैला रहे हैं। अब वीडियो में गलत अफवाह कहाँ है, जब आप जलते हुए वीडियो लोगों को भेज रहे हैं तो इसमें गलत अफवाह कहाँ है। और पुलिस ऑफिसर ये कह रहे हैं कि गलत अफवाहें लोग फैला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये नहीं कहा कि जिन्होंने जलाया आग लगाई उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिन पुलिस ऑफिसर्स ने लापरवाही की और मदद की दंगा करने वालों की उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये बात पुलिस ऑफिसर ने नहीं कही, बल्कि ये कहा कि जो इन सच्चाई की घटनाओं को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता, ये घटनाएं हम तक नहीं पहुंचती तो हम भी शायद इतना सेंसिटाइज होकर यहां तक नहीं आते, तो हम लोग यहां आए और हमने देखा अपनी आंखों से। तो अब आप मीडिया के हमारे साथियों की जिम्मेदारी है कि बताएं कि गवर्नमेंट झूठ न बोले, लोगों को गुमराह न करे और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कानून के मुताबिक काम करे, वो किसी कम्युनिटी को टारगेट करने वाले लोगों को इस तरह खुली छूट दे देना। और जाहिर है कि वो दोनों अलग अलग एजेंडा नहीं है, वीएचपी का एजेंडा और गवर्नमेंट का एजेंडा कोई अलग एजेंडा नहीं है। और हमें लोगों ने बताया कि ये त्रिपुरा बहुत खूबसूरत स्टेट रहा है और यहाँ की जो हिस्टोरिकल कम्युनल हार्मनी का माहौल है, आपसी भाईचारे का, वो बहुत मजबूत रहा है, यहाँ आपस में काफी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। लेकिन अभी जो सरकार है जिस पार्टी की, उसके आने के बाद से त्रिपुरा में जगह जगह कम्युनल टेंशन और ये घटनाएं हो रही हैं। तो ये देश के लिए हम चिंता की बात समझते हैं। हमने यहाँ आने के बाद डीजीपी को कॉल किया, उनसे मिलने की कोशिश की मगर वो भी मिलने में इंटरेस्टेड नहीं है। सीएम हाउस से हमने दिल्ली से ही लेटर भेजा और लेटर भेजकर अपॉइंटमेंट मांगा कि हम आ रहे हैं, हम आपसे भी मिलेंगे, लेकिन अभी तक सीएम हाउस की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। तो वो हमको फेस भी नहीं करना चाहते हैं, हमसे बात भी नहीं करना चाहते हैं। तो ये बात भी आप पहुंचाइए कि आप जब सरकार में हैं तो आपको लोगों की बात सुननी पड़ेगी, आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, आपको लोगों की राय जाननी पड़ेगी। तो ये बात मैं कहूंगा आपसे, आप पहुंचाइए वहां तक
कि सीएम का हमसे न मिलना, डीजीपी का हमको सही रिस्पांस न देना, तो ये साफ बताता है कि कहीं न कहीं गिल्टी है उनके अंदर। वो क्यों नहीं मिलना चाहते, वो क्यों नहीं फेस करना चाहते? अगर वो साफ सुथरे हैं, अगर उन्होंने कोई कसूर नहीं किया है, कोई गलती नहीं की है, तो बताएं हमको, हम उनका व्यू भी जानना चाहेंगे। अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया तो उसको भी हम अप्रिशिएट करेंगे। और किया हमने, ये एक दो जगह पे पुलिस के ऑफिसर्स ने अपने तौर पर लिया तो वहां पर घटना ज्यादा नहीं हुई, लोगों ने साथ नहीं दिया, लेकिन गवर्नमेंट का एजेंडा साफ है। तो ये मैं समझता हूँ कि आप लोग इस पैगाम को पहुंचाएं। तरुण को टीवी सत्य पक्षे बलिष्ठ आवाज।